कहानियां दो दोस्तों की, जिसमें एक का नाम है रमी और दूसरे का नाम है मोहित। रमी पतला था और मोहित थोड़ा हेल्दी सा था। दोनों की उम्र लगभग 14 साल की थी। रमी एक अनाथ था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे। तब से मोहित ही उसका साथी था, उसका दोस्त था, उसका रिश्तेदार था, उसका सब कुछ था। दोनों सभी काम साथ साथ करते थे। बचपन की दोस्ती दोनों के साथ साथ खेलते कूदते बड़ी हुई। वे दोनों दिन भर गांव में खेलते कूदते, गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी मम्मी है। माँ बाप ना होने का दुख बस वही समझ सकता है जिसके पास नहीं है। तू क्यों दुखी होता है यार? जब तक तेरा दोस्त तेरा भाई जिंदा है, तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र भी कर लिया करो। रवि, मोहित और उसकी मम्मी तीनों मिलकर खाना खाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी गेट पर मोहित के पापा आकर डोर बेल बजाते हैं। उनको देखने के लिए उसकी मम्मी उठकर चली जाती है। तभी मोहित को पास में लगे हुए मेले की याद आती है। आज शाम को मेला देखने चले गया, सुना है वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के झूले लगे हुए हैं। क्या तुम्हारी मम्मी मानेंगी? अरे मम्मी से पूछेगा कौन? मैंने अगर मना तो मम्मी मुझे बहुत डांट देंगी। बिना बिना पूछे ही चला जाए, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे ये नींद नहीं लग रहा, हमें बड़ों से बिना पूछे बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे लेकिन मम्मी को पता नहीं चलेगा ना, हम लोग जल्दी घर वापस आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर बहुत सारे झूले और खेलने वाली चीजें हैं, हमें चलना देखना चाहिए। लेकिन हमारे पास मेले में घूमने के लिए पैसे तो है ही नहीं। मेरे पास थोड़े पैसे है, उन्हीं से हम दोनों मेला घूम लेंगे। ठीक है, लेकिन हम घर जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। दोनों घर से ये बोलकर बाहर आ जाते हैं कि वो लोग खेलने जा रहे हैं, जबकि वो दोनों पास ही में लगे हुए मेले में घूमने चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर सभी झूलों को देखते हैं। मोहित के पास कुछ पैसे पड़े होते हैं। उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो दोनों सभी झूलों में एक एक बार बैठ जाते हैं। फिर वो सारा मेला घूमने लग जाते हैं। घूमते घूमते काफी समय हो जाता है और दोनों थक भी जाते हैं। तभी उन्हें घर की याद आती है। लगता है अब हमें घर वापस जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है। हाँ मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे तो नींद से भी आने लगी है। ठीक है घर पहुँच के सो जाना, लेकिन पहले घर पे चलो। अब मुझसे उतने दूर पैदल नहीं चला जाएगा। चला तो मुझसे भी नहीं जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। रात को यहाँ पर भी तो नहीं रुक सकते, और घर पर सब लोग चिंता कर रहे होंगे। क्यों ना हम हमारे गाँव जाने वाली बस में बैठ जाए। क्या तुम्हारे पास अपने पैसे हैं? नहीं मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। चलना पड़ेगा, बिना पैसे के कोई भी ड्राइवर हमें अपनी गाड़ी में पैर भी नहीं रखने देगा। क्यों ना हम बस की छत पर चढ़ जाए, से काम नहीं आएगा मैं चलेने के लिए। लेकिन ये तो गलत है ना, ऐसा हम नहीं कर सकते। छत पर बैठना बहुत खतरनाक होता है, अगर हम लोग नीचे गिरे या फिर हमें चोट लग गई तो। अरे भाई कुछ नहीं होगा, चलो ना चलते हैं, मुझसे बैठा नहीं चला जाएगा, जल्दी से बस में बैठने चलते हैं। ये दोनों अभी बस से जाने की सोच ही रही होते हैं कि बस चल देती है। तभी रवि की नजर बस पर आती है और वो शोर मचाना शुरू कर देता है। अरे भाई रोको रोको रोको, बस को रोको, हमें भी घर जाना है। ये क्या हुआ, बस तो निकल गई। दोनों निराश होकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी रवि पास में ही खड़े हुए दुकानदार से अगली बस के बारे में पूछता है। काका रामगढ़ जाने वाली अगली बस कितने बजे है? बेटा अब तो यहाँ से वहाँ के लिए कोई भी बस नहीं है, ये तो आखिरी बस थी। मैंने कहा था ना जल्दी से बैठ जाते हैं, लेकिन तुम माने ही नहीं। किंतु मैं तो कोई किंतु सिंधु नहीं, हमें पैदल ही 5 किलोमीटर का रास्ता नापना पड़ेगा, वो भी घने जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा, मुझे तो डर लग रहा है। दोनों पैदल ही अपने गाँव की ओर चल देते हैं। रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता है। यहाँ रात में तो क्या इंसान को दिन में भी चलने में डर लगे।
दोनों पैदल जा रहे होते हैं। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। तभी दोनों घर आ जाते हैं। तभी उन झाड़ियों से एक भेड़िया निकल कर आता है। वो दोनों भागने लग जाते हैं, लेकिन मोहित से ज्यादा तेज भागा नहीं जाता और भेड़िया उस पर हमला कर देता है। रवि रवि अपने दोस्त को मुसीबत में देखता है और घबरा जाता है। वो अपना दिमाग लगाता है। उसके पास में माचिस की डिब्बी रखी हुई थी, वह उसे निकाल कर एक आग की मसाल जला लेता है। आग को देखकर भेड़िया घबरा जाता है और भाग जाता है। लेकर घर पहुँच जाता है। उसको घर देखकर परेशान हो जाती है। रवि उनको सारी कहानी बता देता है। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं आपसे आपसे बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। वो तो शुक्र है रवि का जिसने मुझे बचा लिया। भगवान ऐसा दोस्त सबको दे। दोस्तों इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।